मैम तेरे से हमेशा गलती होता है, कभी कभी उसने इंस्टाग्राम पे गलती से वो स्टोरी लग जाता है, ये ना हर चीज में टेंशन पड़ता है, तो पता ही। Hey guys, welcome back to our channel with another video. ये वीडियो हमारे चैनल की पहले सी वीडियो जो बहुत लंबी वाली वीडियो है, वरना हम वन बाय वन पे काम कर रहे थे, तो वो वन बाय वन व्लॉग आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो फिर के लिए मैं सोचा लॉन्ग वीडियो बना लो, क्योंकि चाय पीना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग नहीं आती, व्लॉगिंग मैं सीख रहा हूँ, व्लॉगिंग सीखने के लिए मेरे को एक व्लॉगिंग करना पड़ेगा, व्लॉगिंग करने के लिए मेरे को पहले व्लॉग बनाना पड़ेगा, व्लॉग बनाने के लिए मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को पहले वीडियो सुनना पड़ेगा। नाच बसंती नाच, चेस बनाने वाली लड़की से आपकी शादी हो जाए। ठीक है बहन, तेरे से हमेशा गलती होता है, कभी कभी उसने इंस्टाग्राम पे गलती से वो स्टोरी लग जाता है, कभी ये मैसेज देख लेती है गलती से, हर चीज से गलती। क्या हुआ, कौन सा ऑफर आ गया, क्या हुआ? अरे अंशुनी होगा तो वो देखता है, अंशुनी बना देता है, देख मैं नहीं, ये ना हर चीज में टेंशन पड़ता है, तो पता ही नहीं। अरे नहीं, उस दिन तेरे इंस्टाग्राम पे भी गलती से भी लग गया था वो वाला, वो सीन मैं रखूंगा। यार कितना गंदा है, मैंने कितना अच्छा सीन रिकॉर्ड किया था, अभी बोले कि वो सीन नहीं, एक सीन चाय वाला सीन तू रख ले, वो मार वाला सीन मेरे को दे दे। ये क्या, ये खाना है कि वो खाना तू रख ले, खाना मैं रख ले, मुझे मैं नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले। यार हाथ धोती, यार एक सीन मैंने अपने लगा था, एक सीन इसके लगा था, ये दोनों सीन मांग रही है यार, मेरे चैनल दो नहीं, तो मैं वो सीन मेरा था, मैं जो यहाँ बैठ, जो यहाँ बैठ के सीन किया ना वो तेरा था, जो बाहर सीन वो मैं मेरा था। ज्यादा वो मत कर, तेरा चैनल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना चैनल मेरा इम्पोर्टेंट है। गाइस इसने बोल दिया चैनल इम्पोर्टेंट नहीं, अब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके दिखा दो, चैनल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे 300 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से। कितने सब्सक्राइबर थे चैनल के? 4। वो भी इसने हिडन सब्सक्राइबर रखा है, पता नहीं 4 सब्सक्राइबर कैसे आ गए इसके चैनल पे, एक किसी के चैनल से एक मेरे चैनल। तो देखो गाइस, मेरे को 2 सीन थे, एक मैंने इसके लगा था, एक मेरे रखा था, अब इसने धोखेबाजी की, अब ये कह रहे दोनों सीन मेरे को दे, तो मैं पे चैनल पे कुछ ना रखूं? नहीं आप बता दो ना, आपको भी तो देखना होता है ना मेरे व्लॉग, इसके सगाई में मुंह देखना नहीं पड़ता। नहीं हम तो पागल है ना, जो दोनों सीन रिकॉर्ड करके कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, यहाँ पे तो रायता बन रहा है कि रायता तू रख ले, रोटी मुझे दे दे, से खा लिए चुपचाप से मुझे, ये सारे मिले मैं भी कर सकता है, पर गलत है ना, गलत है क्या, तू का बिग बॉस है, गलत सही क्या, तू क्या वो, नहीं ये बिग बॉस है ना, गलत सही क्या, तू क्या यूट्यूबर है? हूँ, जो 4 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ एक यूट्यूबर है, कितना गंदा है। तो गाइस आप बता देता हूँ ये सीन नहीं, क्योंकि ये सीन हम भी ऐसे करें कि थोड़ा ब्लॉग बड़ा हो जाए। नहीं यार सच्ची में, पता है हम चैनल का न्यू बनाया ना, तब से क्या करें, जो जो इम्पोर्टेंट सीन होता है हमेशा ऐसे वाले सीन अपने चैनल पे डाल देता है, और मेरे चैनल पर हमेशा बोरिंग वाले सीन डाल देता है, हमेशा ऐसे करता है और रख लेता है। और पता है यूट्यूब, पता नहीं तो यूट्यूब कोई न्यू फीचर ही ला रहा है कि मतलब एक ही चैनल पर दो दो वीडियो तुमने डाल दिया हो तो यूट्यूब क्या करता है, तुम्हारे उस वीडियो को डिलीट ही कर देता है, फिर तुम्हारे चैनल को ही उड़ा देता है। सही में? हाँ मैंने किया था एक बार, देख 2 क्लिप है तेरी, वो वाली क्लिप ज्यादा बड़ी है, मेरी वो वाली क्लिप 10 सेकंड, तेरा चैनल इतना नहीं बनाया तो 10 सेकंड, वो 10 सेकंड का क्लिप है, 10 सेकंड का, तेरा चैनल अभी डिलीट भी हो गया था तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा ये बद्दुआ दे रही है आराम को, मैं बोल रही हूँ, देख सुन वो 10 सेकंड का सीन है, तो 10 सेकंड के सीन में ही तो लड़ाई वाला सीन है। अरे तो सीन तो वो मेरा है ना, कितना तो एक सीन मेरे को दे दो, तुम्हारा कौन सा सीन चाहिए? देखो मेरे को दोनों सीन चाहिए, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एक सीन मेरे को दे, मेरा 1 मिनट का व्लॉग बनाया बस, नहीं देगा, नहीं मुझे छीनना भी आता है, पता है मैं फोन तो मेरा ही है, मेरे फोन से छीन लूंगी, जा जा। सो गाइस देखते हैं कैसे छीनती है, गंदा हरकत करता है यार, जब से ये ब्लॉग बनाने लगे तब से मुझे अपने ब्लॉग पे शक होने लग गया, हमेशा ऐसे सीन कर लेगा, हमेशा अच्छे अच्छे सीन रख लेगा, कंचन को मार पड़ी थी मम्मी से फट, मैंने सोचा वो मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी, लेकिन नहीं वो सीन भी इसने अपने ब्लॉग में डाल दिया, अच्छा वाला सीन। बताओ तो गाइस हम है ही ऐसे, जो अच्छे सीन होते हैं हम चुरा लेते हैं, क्योंकि हम है प्रोफेशनल चोर, से बोल बाहर सोने के लिए। अरे मच्छर इससे प्यार करता है, मच्छर जब भी यहाँ हमारे साथ सोती है ना तो मच्छर क्या बोलता है, आज सबको काटूंगा, जब ये बाहर सोई थी ना मम्मी के साथ, मम्मी को अगर काटा, हमें नहीं काटा, मम्मी आदत नहीं बोल रही थी कि कल मच्छर ने बहुत काटा, वो तो हमने मुंह नहीं खोला कि किस वजह से काटा, अरे कल मच्छर ने काटा। दिखा रही नंदी दे यार।
खाया था, मेरे को खाने दो। एक मेरा है अपना चल। कंचन एक बार बोलू, मेरी एक जैसे जैसे मैंने चार दिन पहना है वो तू ले ले। मैं गरीब हूँ क्या, तुम लोग मुझे कपड़े दिए जा रहे हो? हमने कपड़ा, तू गरीब है, तू घर टीचर है। मम्मी चुप इस शख्स को देखो, ये एक को बोल भी सकती थी कि मैं चौमिन वाली दुकान के पास चौमिन लाती हूँ। मैं क्या इंसान हूँ, मैं 20 रुपए चौमिन नहीं खाता, मैं 10 वाला मंगवाता हूँ। वह ऐसा दुकान ढूंढता, इसको पता है बस वो दुकान 10 वाला चौमिन कहाँ मिलता है। मैं किसी दुकान में जाता हूँ ना कि भाई 10 की जगह कर दो भाई, एक जगह होगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, पुलाव बनाते हैं। पुलाव बना जाए दीखा गया ना, तो फाइनली खाना बन चुका है और अभी बजे रात के 11। अब इसे भी ब्लॉग की आदत लग चुकी है, वही जैसे मैं ब्लॉग खत्म करती हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट करता है टाइम। चंट इससे बड़ा चंट देखा नहीं होगा, अच्छे अच्छे क्लिप सारे ये चुनाता है खानदान चोर, क्या ही बोलूं मेरे खानदान का। तो खाना बन चुका है, खाने का कुछ प्लीज सदस्य पे मत ऐसा है। चावल बिस्तर में मत रख, तू थूले में तो रखा है। तो पहले खाना खा लेते, खाना खाने के बाद आपसे बात करते, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाने नहीं आता, क्योंकि ब्लॉग बनाने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता, 10 मिनट में क्या ही कर सकता हूँ। सारे चोटा लड़का ये सारे सीन चुरा चुरा के रखता है अपने पास, कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं चोटता हूँ, खाने दे चल निकल। तो गाइस खाना खाते उसके बाद आपसे मिलते, क्योंकि मेरे को मूवी देखना है, मूवी देखना जरूरी है, क्योंकि मूवी देखने से हमें इंटेलिजेंस मिलता है, दिमाग तेज होता है। गंदा खाना बनाया खजल, क्या बोला इसने? सच्चाई लोगों को अंधे 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 बोलू, अंधविश्वास अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। मिलते मिलते। ये देखो पहली बात, ये गलत काम है, लाइक ये लोग खाना खा रहे हैं बिस्तर पे, उठाया नंदा प्लीज यार, गलत है ये। सुन तो खुद खा के उठ गई बिस्तर से। अभी ओए मैंने बिस्तर पे खाया था, एक सेकंड तेरी बॉडी में डायरेक्टली बेड को टच हो रही थी ना, गलत बात है। और इसने मुझे बोला था कि बहुत गंद, मतलब कमी बर्तन है, लेकिन अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, झूठ लग रहा है, देख सकते हो कितने सारे बर्तन है, और ये मुझे पागल बनाता है हमेशा, और इतना तेज गुस्सा आता है ना मुझे मेरे भाई पे। ये देख रही है चांदी।